आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एमटीजी अंसाल। तो 55 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, अब 56 करना है। तो देखिए कह रहा है कि सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मोल्टन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% CaCl2 बिकॉज। तो कह रहा है कि अगर हमको सोडियम प्राप्त करना है तो विद्युत अपघटन कराने के लिए हम लोग गलित मिक्सचर लेते हैं NaCl और CaCl2 का, जिसमें NaCl 40% है और CaCl2 हमारा 60% रहता है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि NaCl और CaCl2 का मिक्सचर लेते हैं जिसमें 40% NaCl रहता है 60% CaCl2, जबकि हम सोडियम Na में भी है तो Na से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका सबसे मेन मुद्दा ये है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं कॉमर्शियल लेवल पर, यानी औद्योगिक या व्यापारिक लेवल पर, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि खर्चा कम आए। तो खर्चा कम करने के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं कि पैसा कम लगाना कैसे पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमको कोई खाना बनाना है तो सिलेंडर 1200 रुपए का आता है, तो अगर कम गर्म करने पे वो चीज़ तैयार हो जाए तो कम सिलेंडर खर्च होगा तो हमको पैसा ज़्यादा बचेगा। तो इसी प्रकार से वही कंडीशन यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि हम NaCl से सोडियम नहीं प्राप्त कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि NaCl अगर अकेला होगा तो Na प्लस और Cl माइनस को तोड़ने के लिए, ताकि सोडियम आयन हमको रिडक्शन के द्वारा प्राप्त हो सके, ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, तो पिघलाने के लिए। लेकिन जब 60% CaCl2 मिला दिया जाता है तो यही कम हीट यानी कम ऊष्मा दे करके हम सोडियम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऊष्मा कम लगे तो खर्चा कम आए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन में कह रहा है कि दिस मिक्सचर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। तो NaCl की तुलना में जब NaCl और CaCl2 का ये मिक्सचर बना दिया जाता है तो ये कम तापमान पर जो है मेल्ट हो जाता है, जिससे आसानी से सोडियम कम खर्चे पर प्राप्त की जा सकती है। ये कारण है। तो 56 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 56 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है सोडियम इज ऑब्टेंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ इट्स क्लोराइड। तो सोडियम हम कैसे प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और किस चीज का, इसके क्लोराइड का, यानी सोडियम क्लोराइड जो है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडियम इज हाई, जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम का वो बहुत हाई है। इन ऑर्डर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू इट। तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए उसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 को ऐड कर देते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। 56 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हेन CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अगर हम कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइट करें यानी विद्युत अपघटन कराएं और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करें तो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जब यूज किया जाता है तो एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है और कॉपर Cu+2 से Cu में बदले तभी कॉपर मिलेगा। तो Cu+2 से जब Cu बदलेगा तो +2 जीरो में बदल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। तो सीधी सी बात है रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है
इसलिए कापर हमारा कैथोड पर मिलेगा और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसको देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये अभिक्रिया बनाई गई रिएक्शन, तो CuSO4 इक्विलिब्रियम का साइन है Cu+2 और SO4-2 में टूट जाएगा, और जो पानी में विलयन इसको बनाएंगे जब, तो पानी में डालेंगे तो पानी हमारा H+ और OH- में टूटेगा। अब ये टूटने के बाद कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अपचयन होता है यानी रिडक्शन, तो ऊपर वाली पावर घटाई जाती है तो +2 0 में बदला, तो कैथोड पर हमारा कापर मिलेगा। और एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर क्या होगा कि हमारा 4 OH- से 2 पानी के अणु बनेंगे और 1 ऑक्सीजन निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जो ज्यादा है। देखिए 4H+ है, OH- है तो 4, आप 2 ले सकते थे लेकिन 2 में फिर ये O2 ना बनती, केवल H2O बन पाता, इसलिए 4 OH- लिया। कोई चीज क्यों और कितना ली जा रही है उसके पीछे भी रीजन है, तो इस बात को हमें समझना है। तो 57 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जा रहा है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट एनोड विल बी, एनोड एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो संबंध किससे होगा, ऑक्सीजन से। तो 58 का B विकल्प हमारा करेक्ट होगा, अभी ऊपर ही यही चीज पढ़े हैं। तो देखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट एनोड विल बी ऑक्सीजन, तो वैसे ही होगा जैसे ऊपर हम पढ़े थे। तो H2SO4 है, इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे तो 2H+ + SO4- बनेगा। इसी प्रकार चूंकि पानी में डालेंगे तब होगा, तो पानी हमारा उसी तरह से H+ और OH- में टूट जाएगा। अब क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, तो जो पानी है पानी से ये जो OH- है निगेटिव है, तो इसका जो है पॉजिटिव में जाएगा, तो ये जब पॉजिटिव में जाएगा तो ये देखिए 4 OH- से ये पॉजिटिव में O2 आ गई, यहाँ निगेटिव है इसका 0 होगा, तो ये आ गई हमारी, तो ऑक्सीजन चूंकि निकल रही है इसलिए ये ऑक्सीडेशन होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ऊपर हम लोग अभी इसी चीज को पढ़ चुके हैं। तो अब 59 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए तो फ्यूल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी यहाँ रहेंगे। तो कह रहा है डिवाइस, फ्यूल सेल मतलब ईंधन सेल, ए डिवाइस दैट कन्वर्टेड एनर्जी ऑफ कम्बर्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। तो देखिए कह रहा है कि जो उपकरण यानी डिवाइस, जो यंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज को जला करके, कम्बर्शन मतलब दहन, जला करके उसको ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को जलाना है, ऑक्सीजन को जलाना है, और उसको जला करके अगर बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। NCERT में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो 59 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, तो फ्यूल सेल की इफिशियंसी कितना होगी ये हमको बताना है। तो इफिशियंसी देखते हैं। तो हमने आपको इफिशियंसी के बारे में बताया था, इसको ईटा से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हमने बताया था कम बटे ज्यादा, हमेशा ऊपर कम नीचे ज्यादा, कहीं एक जगह रेयर में आपको इसका उल्टा मिलेगा। और घटाने में हमने बताया था कि ज्यादा में कम घटाना आया, फाइनल में इनिशियल।
अगर ज्यादा में कम है तो ज्यादा में कम घटाना है। तो ध्यान दीजिए, मोटी मोटी बात, तो ध्यान दीजिए, इफिशियंसी का मतलब ये हो जाएगा कि जो ऊर्जा हम उपयोग कर रहे हैं अपॉन टोटल एनर्जी, क्योंकि फ्यूल सेल से ऊर्जा ही निकलेगी और दहन के कंबसन के द्वारा निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊर्जा निकलेगी अपॉन टोटल एनर्जी, तो यही हमारा होगा। तो इसको देखते हैं, तो देखिए 60 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है द थर्मल इफिशियंसी ईटा ऑफ ए फ्यूल कन्वर्जन डिवाइस इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस्ड रिलेटेड टू द चेंज इन एंथैल्पी। तो जितना यूजफुल एनर्जी है जो हम उपयोग कर रहे हैं, वो उसका रिलेशन है, यानी संबंध है किससे, एंथैल्पी चेंज से, यानी डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच बिटवीन द प्रोडक्ट एंड फीड स्ट्रीम इज ईटा इज इक्वल टू यूजफुल एनर्जी अपॉन डेल्टा एच, यानी चेंज इन एंथैल्पी। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखें यहां पर क्या कह रहा है कि इन एन आइडियल केसेस, अगर हम आदर्श केस की बात करें, तो ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्टर सच एज ए फ्यूल सेल द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज अवेलेबल एज यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दैट टेम्परेचर ऑफ द कन्वर्जन। तो कह रहा है कि अगर हम आदर्श केस की बात करें, तो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्टर एक आता है, जैसे हम लोग इन्वर्टर पढ़ते हैं, तो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी में जो डीसी करंट है उसको एसी में कन्वर्ट करके फिर हमारे घर में सप्लाई दे देता है जब बत्ती चली जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्टर का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। तो सच ऐसे फ्यूल सेल, जैसे कि फ्यूल सेल में होता है, फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, कुल मिला के वही सिस्टम। तो कह रहा था चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज अवेलेबल एज यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी डेल्टा जी है, गिव्स फ्री एनर्जी है, क्योंकि चेंज अपने से होगा तो फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में निगेटिव होती है, तो गिव्स फ्री एनर्जी है, तो ये कह रहा है हमारी यूजफुल एनर्जी है, इसको डेल्टा जी को मानेंगे। और डेल्टा एच हमारी टोटल चेंज इन एंथैल्पी, यानी जो ऊर्जा निकल रही है वो है। तो हमें तो कम बटे ज़्यादा करना है, तो यूजफुल एनर्जी डेल्टा जी अपान डेल्टा एच। तो इसीलिए कह रहा है कि डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज अवेलेबल एज यूजफुल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट एट दैट टेम्परेचर ऑफ द कन्वर्जन, उस तापमान पर जो ये कन्वर्जन हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो हेंस ईटा आइडियल इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। तो इस प्रकार से 60 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोरोजन से संबंधित है, यानी क्षरण, जिसको संक्षरण बोलते थे हिंदी में। तो कोरोजन का मतलब जैसे लोहे में जंग लगना, ये कोरोजन। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जिंक कैन बी कोटेड ए ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो हमसे कह रहा है कि जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन, जिंक को आयरन पर ऊपर लेयर चढ़ाई जा सकती है, जैसे पकौड़ा बनाते समय हम बेसन घोल लेते हैं और उसमें डुबो देते हैं तो पकौड़ा में बेसन के ऊपर परत चढ़ जाती है, उसी प्रकार आयरन की राड होगी लोहे की, जिंक के विलयन में डाल देंगे तो ऊपर जिंक की परत चढ़ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, कोटेड। तो कह रहा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो आयरन की राड में जिंक का कोट चढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों है ये हमको बताना है। तो यहां पर देखिए पूरा जो खेल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होगा, वैद्युत विभव का, उसमें अंतर होगा
इस कारण से इसका उल्टा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आयरन की तुलना में ज़्यादा निगेटिव है, तो जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन आयरन वहीं पर रिड्यूस होना पड़ेगा अगर जिंक और आयरन की तुलना करेंगे, इसलिए इसका उल्टा संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ई नॉट जेड एन प्लस टू से जेड एन इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है जिंक का, क्योंकि प्लस टू से जीरो इधर बन रही है, तो ये ज़्यादा निगेटिव है देखिए। और ई नॉट एफ ई प्लस टू से एफ ई जब बन रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ई नॉट की वैल्यू -0.44 वोल्ट। और जिसका ज़्यादा जितना निगेटिव में कम होता है उस वो खुद उतना अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी इसका निगेटिव में कम है तो ये अपना ऑक्सीकरण आसानी से कर सकता है, और जबकि इसका निगेटिव में इसकी तुलना में ज़्यादा है, देखिए निगेटिव में कम है तो ये ज़्यादा नीचे होगा, ये निगेटिव में ये कम माना जाएगा जबकि ये संख्या ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा ये ऊपर होगा तो ऊपर वाला रिड्यूस होता है, नीचे वाला ऑक्सीडाइज होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा ये रिड्यूस होगा। अब जो रिड्यूस होगा उसको ऑक्सीडाइज थोड़ा कर सकते हैं, तो इसीलिए उल्टा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से। तो वही कह रहा है कि ड्यू टू द हायर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक देन आयरन, आयरन कैन नॉट बी कोटेड ऑन जिंक। तो चूंकि जिंक की ज़्यादा निगेटिव में हायर वैल्यू है आयरन की तुलना में, इसलिए आयरन को जिंक पे नहीं कोटेड किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये होगा, ये अपचयित होगा यानी रिड्यूस होगा। अब इसका उल्टा संभव नहीं है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में अगर देखा जाए तो कम वैसे ज़्यादा है। तो 61 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 62 में कह रहा है कि द मोस्ट इन कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बटन ऑफ सिप मेड ऑफ आयरन इज। तो जो हमारी बटन लगती है या छोटी मोटी कीले हैं सिप, यानी पानी वाला जहाज, एरोप्लेन हवा वाले जहाज को कहते हैं, सिप पानी वाले जहाज को कहते हैं, ध्यान दीजिए हवा वाले जहाज को सिप नहीं कहते हैं, उसको एरोप्लेन, एरोप्लेन का मतलब एयर वाला प्लेन, और सिप का मतलब जलपोत जिसको हिंदी में कहते हैं, पानी वाला जहाज। तो कह रहा है उसमें जो आयरन की कील या बटन होती है, जो भी हो आयरन का सामान, तो उस पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज की कोटिंग करेंगे जिसका कोरोजन कम हो, संक्षरण कम हो, पानी की प्रेजेंस में जंग कम लगे, उसी का तो करेंगे। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा उसी की प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए जो टिन है, वाइट टिन, जैसे वाइट टिन, प्लेटिनम, ये सब जो है ज़्यादा स्थायी है, तो इन्हीं की हम लोग उस पर कोटिंग कर देंगे। तो 62 का भी करेक्ट होगा कि वाइट टिन की जो है हम लोग कोटिंग कर देंगे आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसको देखते हैं, तो देखिए कह रहा है द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द सिप मेड ऑफ आयरन इज वाइट टिन प्लेटिंग प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ बर्नाकल्स। तो कह रहा है कि अगर व्हाइट टिन की प्लेटिंग कर दें आयरन के ऊपर, जो समुद्र में जहाज, पानी वाले जहाज हैं उनके ऊपर, तो कह रहा है ये प्रिवेंट हो जाएगा किससे, बिल्डअप ऑफ बर्नाकल्स, एक तो जंग नहीं लगेगी, दूसरा बर्नाकल का मतलब होता है समुद्री जीव जंतु जो नीचे चिपक जाते हैं, जैसे जोंक चिपक जाती है, घोंघा चिपक सकते हैं, तो वो भी नहीं चिपक पाते चिकने की वजह से, फिसल जाते हैं, तो नीचे नहीं चिपकते, तो इन दोनों चीज़ों से हमारी रक्षा होती रहेगी सिप की। तो 62 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज।
तो कह रहा है कि अगर हमें आयरन को कोरोजन यानी संक्षरण से यानी जंग लगने से बचाना है तो चार विकल्प में से कौन सबसे ज्यादा स्थायी है, जिसकी प्लेटिंग अगर हम कर दें तो सबसे ज्यादा हमारे सुरक्षा रहेगी आयरन की। तो ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो हम शुरू करते हैं, देखिए नीचे से जिंक निकिल टिन कॉपर चार विकल्प हमको दिए गए हैं। तो देखिए सबसे नीचे हमारा जिंक है, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जेडन से जेडन प्लस टू से जीरो बन रहा है, यानी रिडक्शन है, तो इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव है। जिंक, फिर उसके बाद निकिल, जिंक निकिल, फिर एसएन, एसएन मतलब टिन, टिन फिर ये देखिए कॉपर। तो सबसे नीचे जिंक है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसलिए इसकी लेयर चढ़ाने पर सबसे ज्यादा हमारा सुरक्षित रहेगा आयरन। तो यहां पर देखिए 63 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जिंक की प्लेटिंग अगर आयरन के ऊपर करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा अच्छे से कोरोजन यानी जंग लगने से बचाया जा सकता है। जिंक निकिल टिन कॉपर चार ही विकल्प थे, तो जिंक वाला करेक्ट हो जाएगा 63 का बी। तो देखिए यहां पर 63 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, देखिए रिडक्शन का है, Cu प्लस टू से Cu बन रहा है, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, सब में जीरो जीरो बन रही है प्लस टू से, तो सब रिडक्शन पोटेंशियल है, और Ag जितना भी है सबका दे दिया गया है 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट आकर। तो हमें ये बताना है कि ये चारों विकल्प में, मतलब ये जितनी ये दी गई हैं, तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर ये जो चार विकल्प हमको दिए गए हैं तो इनमें से कौन सी रिएक्शन संभव नहीं होगी, ये हमको बताना है। तो यहां देखिए फिर वही रिडक्शन पोटेंशियल का खेल आ गया। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन में देखिए ए जी सी यू को हटा करके ए जी टू एस ओ फोर बना ले रहा है, यानी सी यू हट जा रहा है, ए जी उसकी जगह जुड़ रहा है। तब देखते हैं यहां पर ए जी का देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 ए जी का 0.80 है और सी यू प्लस टू का 0.34 वोल्ट, तो सी यू प्लस टू का कम है, तो कम वाला ज्यादा वाले को हटाता है, ज्यादा वाला कम वाले को नहीं हटा पाएगा। तो इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर ए जी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और जब ए जी टू एस ओ फोर बनेगा तो इसका -2 होगा, इसका +1, तो 2 है तो +2 हो जाएगा, तो कुल मिला के ऑक्सीकरण हो रहा है ए जी का। जबकि यहाँ पर देखिए ए जी का ज़्यादा है सी यू प्लस टू से इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव में, तो जाहिर सी बात है कि जिसका ज़्यादा है उसका कम होता है और जिसका कम हो उसका ज्यादा होता है, उल्टा चलता है, पीछे बता चुके हैं। तो चूंकि सी यू प्लस ए जी प्लस का मतलब ए जी का ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए यानी घटना चाहिए, जबकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए जी जीरो से ए जी प्लस में जा रहा है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए 64 का चार विकल्प हमारा करेक्ट मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन नहीं होना है वही पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं, तो देखिए कह रहा है ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एक्सप्लेन
ई नाट सी यू प्लस टू से सी यू बन रहा है तो 0.39 वोल्ट है, ई नाट जेड एन प्लस टू से जेड एन बन रहा है तो -0.76 वोल्ट है, ई नाट एफ यू प्लस टू से एफ यू बन रहा है -0.44 वोल्ट है, ई नाट ए जी प्लस टू से ए जी बन रहा है तो 0.80 वोल्ट। देखिए 2 AG प्लस होना चाहिए, थोड़ा गलत है, दो ही प्लस हैं लेकिन ऊपर प्लस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ए जी केवल एक प्लस के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से चलिए लिखा है, तो अगर दो प्लस बनते तो यहाँ 2 AG ना लिखा जाता, ठीक ना। तो कंसीडरिंग द ई नॉट वैल्यू ए जी कैन नॉट डिस्प्लेड सी यू फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो ए जी का ज़्यादा है तो कम वाले का हमेशा रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है पॉजिटिव में, मतलब ये अपना बढ़ाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, और ये घटाएगा घटाने का मतलब रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर तो ए जी जीरो से प्लस टू हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है जो कि संभव नहीं। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से Mn प्लस 2 प्लस 4H2O बन रहा है, कह रहा है नॉट Mn प्लस 2 से MnO4 माइनस बनने का -1.510 वोल्ट, और पानी के लिए हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इसका H2O बनने का E0O2 से H2O बन रहा है, तो ये है +1.223 वोल्ट। तो कह रहा है विल द परमैग्नेट आयन यानी MnO4 माइनस, इसको परमैग्नेट आयन कहते हैं, लिबरेटेड O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एसिड, तो कह रहा है एक एसिड की उपस्थिति में O2 निकालेगा वाटर, ये कह रहा है। तो क्या ये संभव है, ये देखिए यहाँ यस नो करके हमको विकल्प दिए गए हैं, इनमें चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर O2 कह रहा है MnO4 O2 निकालेगा, लिबरेट का मतलब निकालना, फ्रॉम वाटर पानी से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो देखिए O2 निकालने का मतलब एनोड पर क्रिया होगी, क्योंकि पीछे पढ़ते चले आए हैं एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब पॉजिटिव बढ़ना, तो अगर इन आर्ट सेल पॉजिटिव है तो ये क्रिया हो पाएगी, अगर नेगेटिव है तो संभव नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसको, तो देखिए 65 नंबर में MnO4 से Mn+2 बन रहा है, तो ये रिडक्शन है क्योंकि यहाँ पर Mn की 7 है, कैसे निकालते थे हमने बताया था आपको, फिर बता दे रहे हैं कि जिसका निकालना हो उसका यक्स मान लेते हैं, तो यक्स प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा 8 इक्वल टू जो ऊपर पावर में उसको लिखते हैं -1, तो यक्स इक्वल टू इधर ये आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 8 में एक -1 घटेगा तो 7 होगा, तो x बराबर 7 इधर m बराबर +2, तो चूंकि ज्यादा से कम हो रहा है इसलिए रिडक्शन है यानी अपचयन है। अब देखिए इस रिएक्शन में O2 की 0 है, 0 से H2O में ये -2 हो रही है, तो 0 से कम हो रहा है तो ये भी रिडक्शन है यानी अपचयन हो रहा है, तो इसके लिए देखिए ई नॉट Mn+2 और MnO4 माइनस के लिए -1.510 वोल्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। यहां पर देखिए रिएक्शन उल्टा हो गई थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखते हैं कि यहां रिडक्शन हो रहा है O2 का, लेकिन यहां पर ई नॉट O2 से H2O बनाने के, यहां देखिए रिडक्शन वाली लिखी गई है, ये रिडक्शन वाला है, और चूंकि यहां पर देखे MnO4 अगर इस तरह लिखता है इसको इधर तो रिडक्शन वाला होता, लेकिन उल्टा कर दिया है, Mn+2 को इधर लिखा है और इसको इधर लिखा है,
तो ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया। ऑक्सीडेशन इसका मतलब ये क्रिया हमारी कहाँ हो रही है, एनोड पर, ये कहाँ हो रही है, कैथोड पर, इस तरह हो रहा है। तो इसको देखते हैं, कह रहा है रिवर्सिंग इक्वेशन टू वी गेट, अगर दूसरी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो देखिए रिएक्शन दो को उल्टा कर दिया अगर इसको, तो ये टू वो इधर हो जाएगा, तो ये हमारा ओ टू निकलेगी और इस तरह रिएक्शन होगी, और ये माइनस जब उल्टा कर देंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी ये भी ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा जो रिडक्शन है। तो एट कैथोड, कैथोड पर देखिए क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर देखिए ये रिएक्शन होगी ये वाली, क्योंकि रिडक्शन है, इसको उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कैथोड पर देखिए यही ऊपर वाली रिएक्शन लिख दी गई, एनोड पर ये वाली लिखी गई, एनोड पर, एट एनोड ये लिखी गई ये वाली, इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, तो इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके ये लिखी गई। अब देखिए दोनों को हमें संतुलित करना है, तो इस पर देखिए दो का गुणा कर दिया तो ये आ गया, इस पर पाँच का गुणा किया तो ये आ गया, ताकि ये दस दस इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो अब देखिए इसको देखते हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर से कट जाएंगे, तो ये होगा 2MnO4 माइनस प्लस, ये 10 में 16 में 10 चले जाएंगे एच, तो 6H प्लस बचेगा, गिव्स 2Mn प्लस प्लस 5/2O2 प्लस 8H2O में 5H2O चले जाएंगे, तो 3H2O बचेगा, तो ये रिएक्शन हमको प्राप्त होगी। तब देखते हैं अब इनर्ट सेल, अगर रिएक्शन लिखे तो इनर्ट सेल इक्वल टू इनर्ट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये देखिए कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर ये रिएक्शन है ये वाली, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा कैथोड पर, और एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ये वाली रिएक्शन हो रही है, ये रिडक्शन था इसको पलट दिया तो ये माइनस में हो गया, तो इसको माइनस करके देखिए यहाँ पर पहले ही माइनस लिखा इसलिए माइनस करके यहाँ लिखा, अगर हम यहाँ प्लस लिखते जैसे हम बताते हैं तो यहाँ फिर माइनस ना लिखते, क्योंकि नोट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाला तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना, ये जो निगेटिव है ये बदल जाएगा पॉजिटिव में ही रहेगा, केवल उलट देंगे, तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पे 0.287 वोल्ट। तो चूंकि ये इनर्ट सेल पॉजिटिव आ गया, तो वही कह रहा है सिंस इनर्ट सेल इज ग्रेटर देन 0 सो MnO4 माइनस विल लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, चूंकि ये पॉजिटिव आ गया तो इसलिए O2 लिबरेट होगी वाटर से किसी एसिड की प्रेजेंस में। अब अगला आ जाता है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए 65 का हमारा कौन सा विकल्प करेक्ट हुआ, 65 का पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा ये वाला। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिंग टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर देखिए ये रिएक्शन हो रही है, इसके लिए ईएमएफ निकालना है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दिया है इनर्ट सेल बराबर 10.5 वोल्ट है, और ई सेल हमको बताना है ईएमएफ का है या ई सेल एक ही बार, और 2.303 आरटी बाई एफ की वैल्यू दे दिया 0.059। तो इसको देखते हैं, सीधा क्वेश्चन करना, देखिए कंसंट्रेशन दे दिया है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए कोई भी विकल्प सही नहीं है, सारे गलत हैं, तो ये निकाल रहा है अपने हिसाब से, तो एक्सप्लेन कर रहा है एनआई सॉलिड है,
इससे एन आई प्लस टू बन रहा है और विलयन में है, इसलिए इसकी मोलरिटी दी है 0.001 मोलर। 2Ag प्लस विलयन में है 0.001 मोलर, इससे 2Ag सॉलिड बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ से अगर लिखें तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एन आई का एन आई प्लस टू में, तो एन आई से एन आई प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन निकल गया। रिडक्शन हाफ से लिखें यानी अपचयन अर्धअभिक्रिया, तो Ag प्लस से Ag बन रहा है यानी अपचयन हो रहा है, तो Ag प्लस दो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो Ag बन जाएगा, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसी में दो का गुणा कर दिया ताकि दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहे। तो नेक्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन बताया था हमने। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऊपर, इसमें रिडक्शन हो रहा है तो नीचे। अब सारी वैल्यू रख देंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल दिया है 10.5 माइनस इसकी वैल्यू दिया है 0.059 और एन दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो एन की वैल्यू दो हो जाएगी, दो रख दिया फैराडे, एफ लिखें या न लिखें दो फैराडे माना जाएगा। और लॉग प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, इसका देखिए कंसंट्रेशन 0.001 है यानी 10^-3 एन आई प्लस टू का, और इसका भी 10^-3 है, दोनों का वही, तो 10^-3 अपॉन 10^-3 इसमें दो का गुणा किया गया है तो स्क्वायर में दो हो गया। तो ई सेल आ गया 10.5 इंटू 0.59 अपॉन 2 लॉग 10^3। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई नॉट से ई सेल इक्वल टू 10.4115 वोल्ट। दिस विल बी द बेनिफिट इफ अटेम्प्टेड, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसमें चार नंबर आपको दिए जाते हैं, अगर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो जीरो मिलेगा, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 67, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी मोलर सोल्यूशन ऑफ के सी एल, सेंटी मोलर, मोलरिटी 10^-2 होगी सेंटी मोलर, देख लेते हैं इसको। के सी एल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रेजिस्टेंस दे दिया है 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर, ये लग रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो नहीं, ये कंडक्टिविटी है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है, 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सेल का प्रतिरोध कितना है, 60 ओम। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना। तो अगर हमें फार्मूला पता है तो इसको सीधा निकाल लेंगे। तो देखिए कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ये रो है, ये वैल्यू होती है, देखिए फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ये एल अपॉन ए ही हमारा ये इतना, ये सेल कांस्टेंट होता है, पीछे कई बार निकाल चुके हैं, तो ये एल अपॉन ए निकालना बस। और ये जो रो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इस प्रकार से हमको ये सॉल्व करना। तो यहां पर देखिए ये फार्मूला होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, फार्मूला वैसे हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब देखिए कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता, चालकता का मतलब चलना, तो उसका उल्टा क्या हो गया, प्रतिरोध, चलने का उल्टा रुकावट, तो रुकावट का मतलब प्रतिरोध, तो कंडक्टेंस का उल्टा प्रतिरोध, तो कंडक्टेंस जी यहाँ दिया है तो जी का उल्टा क्या होगा, प्रतिरोध यानी 1/R। तो एक कप्पा इक्वल टू हो जाएगा, कंडक्टेंस हमारा जी है तो जी की जगह 1/R लिख देंगे, जिसको हमने यहाँ रो लिखा है, तो और सेल कांस्टेंट
एल अपान ए होता है, तो एल अपान ए कर दिया। कंडक्टेंस का उल्टा प्रतिरोध वन अपान आर हो जाएगा इंटू सेल कांस्टेंट एल अपान ए होगा। अरे कप्पा हमारा कंडक्टिविटी है यानी विशिष्ट चालकता जिसको बोलते हैं, ये हमारा रजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां पर देखिए कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्शन विशिष्ट चालकता आ जाएगी हमारी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगा, ये एल अपाने हो जाएगा सेल कांस्टेंट चूंकि निकालना है, तो आर इंटू कप्पा, तो आर दिया है 60 ओम, कप्पा दिया 0.0210, इक्वेशन में दिया है, तो एल अपाने इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू कप्पा, आर दिया 0.0210, कप्पा हमारा दिया है 60, तो आ गया 1.26 पर सेंटीमीटर, एल अपाने तो एल सेंटीमीटर, और ये हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, तो दो बार सेंटीमीटर रहेगा, तो एक बार कट जाएगा और एक नीचे सेंटीमीटर बचेगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी पर सेंटीमीटर। 67 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 67 का बी विकल्प करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक।